छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक व्यक्ति पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब बवाल मचा हुआ है और जुबानी जंग जारी है। हालांकि सरकार ने यू टर्न ले लिया है। बिजली की समस्या को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज करना जायज है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से स्वराज संवाददाता सत्य राजपूत ने की खास बातचीत। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं सर, ये इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? किसी भी मामले में, मतलब इतना छोटा मामला कह सकते हैं, इस पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करना। जो प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बिजली संकट छाया हुआ है, उसका उपाय, उसका समाधान लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा कायम करके बिजली गिराना नहीं है। उसका समाधान है बिजली की पैदावार बढ़ाना और जो छत्तीसगढ़ की बिजली तेलंगाना राज्य को बेच रहे हैं उसको बंद करना है। मुख्यमंत्री जी ने भले ही कन्हैया कुमार मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं पढ़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमें ये उम्मीद है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी का लोकसभा का घोषणा पत्र तो पढ़ा होगा, जिसमें राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने ये बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राजद्रोह का, देशद्रोह का कानून ही हटा देंगे। 17 ऐसे ठोस प्रमाण मैंने दे दिए हैं कि आपने किस प्रकार के व्यक्ति को प्रदेश का सबसे सर्वोच्च उच्च न्यायिक अधिकारी बनाया है। और तीसरा, ये जो देशद्रोह का कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है इस कानून को दिखाकर, तो मुख्यमंत्री जी को अब जनता को ये बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर गांधी का राज है या फिर कोटसे का राज चल रहा है। ये सरकार ये भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रदेश में बिजली की कमी है। देखिए, ये भ्रम अगर है तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। किंतु जो 2018 तक के आंकड़े मेरे पास हैं, उसके अनुसार पूरे प्रदेश में प्रतिवर्ष 407 करोड़ यूनिट बिजली की कमी है। ये इसको लेकर जनता का भी ये कहना है कि भाई संसाधन छत्तीसगढ़ का, पानी छत्तीसगढ़ का, बिजली छत्तीसगढ़ का, लेकिन यहाँ आपूर्ति बहुत कम हो रही है और सरकार बेच रही है। बिल्कुल सही बात बोल रही है जनता। यहाँ पर बिजली बिल हाफ नहीं हो रहा है, बिजली हाफ हो रही है। किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, किसान साफ हो रहा है। ये हकीकत है और यही कारण है कि 3 महीने में जिस सरकार को जनता ने 68 सीट देकर ऐतिहासिक जनादेश दिया था, उसको केवल 2 सीट पर ले आई। अभी आपने सुना जेसीसी जे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का, जिनका कहना है कि जनता को बिजली की व्यवस्था करना है, ना कि जनता पर बिजली गिराना है। इस तरह के जो निर्णय लिया गया वो सरासर गलत है। कैमरामैन राहुल के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस।